हाय गाइस, वेलकम टू आना किचन टूर। कैसे हैं आप सब? और उम्मीद करती हूँ गाइस आप सब खैरियत से होंगे। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो पहले आपको मिल सके। तो गाइस, ये आज मैं बहुत ज़बरदस्त एक स्वीट डिश आपके लिए लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही डिफरेंट है और मेरे बच्चे इसको पसंद करते हैं और आज भी उनकी फरमाइश पर ये मैं डिश बना रही हूँ। बच्चों ने कहा कि हमें कुछ मीठा बना के खिलाएं और ये मीठा अक्सर मैं अपने बच्चों के लिए बनाती हूँ तो आज आपके साथ भी शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ ये स्वीट डिश आपको पसंद आएगी, ये रेसिपी पसंद आएगी। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए गाइस वो मैं आपको बताती चलूँ कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले मैंने गाइस ये कलर्ड जो सेवइयां हैं ये मैंने ली हैं, ये मैंने ले ली हैं एक प्याली और इनको मैंने पहले से ही बॉयल कर लिया है। ये पहले से ही बॉयल की हुई हैं, एक प्याली हैं ये, इनको मैंने बॉयल किया हुआ है। और सागुदाना है एक प्याली, इसको भी हमने बॉयल कर लिया है। ये उबला हुआ है पहले से ही जो है, इसको हमने पका लिया है। और इसके साथ ही हमने एक पैकेट जेली ली थी, इसको भी हमने बनाकर जो है वो फ्रीज कर लिया है और क्यूब्स की शक्ल में इसको काट लिया है। इसके बाद ये हाफ प्याली के बराबर जो है वो दूध है, इसको भी हमने जो है वो बॉयल, उबला हुआ दूध है ये। इसके साथ ही 1 टीस्पून के बराबर जो है वो वनीला कस्टर्ड पाउडर है, वनीला फ्लेवर में मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है 1 टीस्पून के बराबर। और इसके साथ ही 3 टेबलस्पून जो है हमने शुगर ले ली है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। और कुछ टूटी फ्रूटी है, ये चंद जो है वो पीसेस जो है मैंने टूटी फ्रूटी के ये यूज़ करने हैं इसमें। तो गाइस ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। अभी हमने दूध जो है वो बॉयल कर लिया है तो 1 लीटर जो है वो दूध हम इसमें ऐड करेंगे, 1 लीटर के बराबर जो है वो दूध है। तो गाइस दूध हमने जो है वो बॉयल करने के लिए रखा था, ये देख लें 1 लीटर दूध है, इसको हमने जो है वो पहले से ही जो है वो थोड़ा बॉयल कर लिया है। मीडियम फ्लेम पे हम ये स्वीट डिश बनाएंगे, मीडियम फ्लेम पे दूध जो है वो पहले से ही बॉयल है। अब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे, स्टार्ट हो गया था, चल कर इधर। तो गाइस हमने 1 टेबलस्पून जो है 1 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया है, इसमें हमने जो आधी प्याली दूध लिया है, ये दूध इसके अंदर डालकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, ये दूध इसके अंदर डाल देंगे मिक्स करेंगे। दूध को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहें, अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। गाइस हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, आप देख लें अच्छा सा जो है इसका बैटर जो है वो बन गया है, कोई इसके अंदर जो है वो कोई भी गुठली और लम्स नहीं है, ये देख लें। दूध भी बॉयल हो रहा है, ये देख लें। इसमें हम 3 टेबलस्पून के बराबर जो है वो शुगर ऐड कर देंगे, 3 टेबलस्पून। अब थोड़ा सा इसको हम जो है वो मिक्स करेंगे, शुगर ऐड करने के बाद, चीनी ऐड करने के बाद हमने इसको थोड़ा सा मिक्स करना है। ये मिक्स, चीनी को मिक्स करने के बाद हमने गाइस ये कस्टर्ड पाउडर लिया है जो हमने मिक्स किया है दूध में 1 टेबलस्पून, वो आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें डालते जाएंगे, हल्के हाथों से इसमें डालें और इसको मिक्स करते जाएं ताकि इसमें लम्स ना बने, और साथ साथ चम्मच जो है वो चलाते जाएं। आपको पता है कस्टर्ड डालने से जो है वो दूध जो है वो फौरन से गाढ़ा हो जाता है, और हल्के हाथों से जो है वो इसको चलाना है हमने, 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसको पकाना है, 1 से 2 मिनट के लिए गाइस हमने इसको पकाया है। आप देख लें दूध जो है वो थोड़ा गाढ़ा हो गया है पहले से। बहुत ज़्यादा कस्टर्ड मैंने इसमें यूज़ नहीं किया क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा ही जो है वो गाढ़ा हो जाए तो मज़ा नहीं आता इसके, इसको खाने का। अब हम इसमें एक प्याली जो मैंने ये सेवइयां ली हैं, ये सेवइयां जो हैं उबली हुई सेवइयां हैं, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। तो गाइस इसको भी हमने पहले से ही सेवइयां जो हैं वो बॉयल हैं, इसलिए हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसको जो है गलाने की, क्योंकि ये गली हुई हैं पहले से।
इसको थोड़ा सा 1 से 2 मिनट के लिए इसको भी चलाएं। तो गैस हमने सेवइयां डालकर भी इसको जो है वो थोड़ा जो है वो बना लिया है, पका लिया 1 से 2 मिनट के लिए। आप देख लें सेवइयां गली हुई हैं पहले से, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसको पकाने की। और उसके बाद हमने एक प्याली जो ये साबूदाना लिया है ये भी पहले से बॉयल है, तो इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। तो गाइस अब हम इसको जो है वो गाढ़ा होने तक जो है वो थोड़ा पकाएंगे। आप देख लें साबूदाना और कलर्ड जो सेवइयां हैं वो कितनी मज़े की लग रही हैं, बहुत ज़बरदस्त लग रही हैं। और जो कस्टर्ड हमने इसमें ऐड किया है वनीला कस्टर्ड, उससे जो है वो टेस्ट जो है इसका और ही ज़्यादा जो है वो मज़े का हो जाता है। बहुत बच्चे जो है वो बहुत शौक़ से खाते हैं ये मीठा। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर जो है हम इसको थोड़ा सा 5 मिनट के लिए, 5 से 7 मिनट के लिए जो है वो बनाएंगे। तो गाइज़ आप देखिए हमने 5 से 7 मिनट के लिए जो है इसको जो है वो बनाया है। ये देख लें काफ़ी जो है वो गाढ़ा हो गया है ये, और इसको बहुत ज़्यादा आपने जो है वो गाढ़ा नहीं करना क्योंकि फिर खाने में जो है ये अच्छा नहीं लगेगा बहुत ज़्यादा गाढ़ा। थोड़ा सा जो है इसको पतला रखना है हमने, तो कस्टर्ड जो है वो बनाते हैं तो फौरन ही जो है वो गाढ़ा हो जाता है, तो हमने ज़्यादा इसको दूध को गाढ़ा नहीं करना। सेवइयां तो पहले से ही गली हुई हैं और साबूदाना जो है साबूदाना वो भी पहले से गला हुआ है। तो गाइज़ मुझे इतना ही गाढ़ा इसको रखना है। ये देखिए बच्चों के लिए ये बहुत हेल्दी है, बड़ों के लिए भी, तो बढ़ते हुए बच्चों के लिए बनाएं तो बच्चों को बना के खिलाएं, बहुत ही ज़बरदस्त है ये बच्चों के लिए, बच्चों की ग्रोथ में जो है ये हेल्प करता है, बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, मुफीद है। तो अब ये देख लें इतना गाढ़ा इसको हम रखेंगे और इसको जो है फ्लेम ऑफ़ करके हम इसको जो है वो डिश आउट करेंगे। फ्लेम को ऑफ़ कर लेते हैं और इसको हम डिश आउट कर लेंगे। तो गाइज़ आप देखिए हमने इसको डिश आउट कर लिया है, जो हमने स्वीट मीठा जो है वो हमने बनाया है स्वीट डिश। अब हम इसको जो है इसके ऊपर हम जो है टूटी फ्रूटी जो है वो इसके ऊपर डाल देंगे। तो गाइज़ ये टूटी फ्रूटी मैंने ली थी, ये भी इसके ऊपर जो है वो डाल देंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे। बच्चे ये भी बहुत शौक़ से खाते हैं, बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये एक जो है मीठा बन गया है, स्वीट डिश बनकर तैयार हो गई है। इसको अब हम जो है वो फ्रीज़ करेंगे, अभी ये गर्म है तो हम इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए जो है वो डीप फ्रीज़र में इसको रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर ये जैली जो हमने ली है ये जैली इसके ऊपर डालकर फिर सर्व करेंगे इसको। तो आधे घंटे के लिए इसको मैं जो है वो डीप फ्रीज़र में इसको ठंडा होने के लिए रखूँगी। तो गाइस हमने आधे घंटे के लिए जो है इसको स्वीट डिश को जो है वो डीप फ्रीज़र में रख दिया था ठंडा होने के लिए। आधे घंटे बाद हमने इसको निकाला है, देख लें काफ़ी अच्छा जो है वो ठंडा हो गया है, ये फ्रीज़ हो गया है। अब हमने जो ये जैली ली थी, एक प्याली जैली है, ये जैली हम इसके ऊपर हम डाल देंगे। बच्चे जो हैं वो बहुत शौक़ से ये मीठा खाते हैं, थोड़ी सी डेकोरेशन हम इस तरह इसकी कर देंगे ताकि ये जो है और ज़्यादा खूबसूरत लगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त जो है वो बन रहा है, ये शक्ल इसकी बहुत अच्छी लग रही है और मीठा जो है आपको पता है बच्चे कितने शौक से खाते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का मीठा है गाइस, थोड़ा सा डिफरेंट भी है और बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, हेल्दी भी है। तो ये हमारा मीठा जो है वो तकरीबन जो है वो तैयार हो गया है, इसकी डेकोरेशन जो है वो अच्छी सी हम कर देंगे। जैली हमने सारी जो है इसके ऊपर लगा दी है और बहुत ज़बरदस्त सा हमारा जो है वो मीठा स्वीट डिश जो है वो बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसको जो है वो आपको चेक करवाते हैं कि ये बना कैसा है। एक छोटा सा बाउल मैंने लिया है, इसमें मैं इसको थोड़ा सा निकाल कर इसको चेक करती हूँ कि ये कैसा बना है। ये बहुत ज़बरदस्त सी एक रेसिपी है, तो आपके साथ सोचा कि शेयर की जाए तो अपने बच्चों को बना के दें। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आएगी, बहुत ज़बरदस्त है गाइस, ये में भी बहुत यम्मी है। इसको कर चेक करके बताती हूँ कि ये कैसी बनी है। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है वो ये स्वीट डिश बनकर तैयार हुई है गाइस। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स करके बताएं
और सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो पहले आपको मिल सके। अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।